So help me welcome on the stage, Diamonds Going Camp, all the way from Mumbai, Mr. Mahesh and Kiran Dubey. जरा बता दो, चले नागपुर, नागपुर कितना एक्साइटेड है बताओ जरा। कितने लोग आज डिसीजन ले चुके हैं दोस्तों? पक्का आपको लगता है आप कर सकते हो? कितने डायमंड है यहाँ पे? 100% लॉक कर दिया जाए? बैठ जाइए प्लीज। दोस्तों बहुत आनंद हो रहा है नागपुर आके, सच बताऊं। जैसा कि हमारा पहला सेशन स्टोरी के साथ कोई ट्रेनिंग हुई और आप लोगों का जो हमारा दिखा कि आपका जो जोश है, जो आपका एक विश्वास बढ़ा है, वो देख के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और ये पक्का है कि आज जितने लोग इस सभा में आए सेमिनार में, मैक्सिमम लोग आज डिसीजन लेके जाएंगे। क्या मैं ये बात सही मानूं? कितने लोग डिसीजन लेके जाएंगे आज? अब आपकी एक्साइटमेंट मुझको ज्यादा चाहिए, आपकी तालियां भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि तालियां सारी आपके लिए होगी। अभी तक आप दूसरों के लिए बजाते रहे होंगे, लेकिन आज जितनी भी तालियां बजा रहे हैं, ये आपकी डायमंड शिप के लिए सारी तालियां बज रही हैं। याद रखना, आपकी डायमंड शिप के लिए कैसी ताली बजाओगे आप? कितना एक्साइटेड हो आप? दोस्तों बिल्कुल ऐसी तालियां बंद ही ना हो, परमात्मा बोले जल्दी दो भाई हटाओ। थैंक यू। परमात्मा तड़प देखता है। तड़प क्या देखता है जरा बोलो, क्या बोलता है? तड़प देखता है। तड़प कितनी तड़प है पाने की, कितनी इच्छा शक्ति तीव्र है, कितना तगड़ा डिजायर है। अभी हमारा जो थीम्स है, जो हम बात कर रहे हैं आपसे, जो सब्जेक्ट है, चैलेंज दुनिया में 95% लोगों को परास्त कर देता है। चैलेंज, ज्यादा लोग चैलेंज में जाकर के अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। और हमेशा एक ही बात कहते हैं, चैलेंज बहुत है, अलग अलग टाइप का चैलेंज, अलग अलग प्रकार। जैसे आप होटल में जाएं, मेनू कार्ड देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें मिलती है ना, बोलो ना। एक ही होती बहुत होती है, पूरा बुक भरी होती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज की अगर लिस्ट बनाए तो लिस्ट कम हो जाएगी। हेलो, इतनी लिस्ट बनती है, इतनी जगह कम पड़ जाएगी। चैलेंज को फोकस करने वाले 95% लोग हैं, और यही कारण है कि ज्यादा लोग दुनिया में दाल रोटी के जुगाड़ करते करते जिंदगी चलाते चलाते और चले जाते हैं। कुछ लोग पैसे भी कुछ कमा लेते हैं, कुछ लोग घर भी बना लेते हैं, गाड़ी भी बना लेते हैं, लेकिन खुशी नहीं बना पाते हैं, बैलेंस लाइफ नहीं बना पाते हैं, बिकॉज ऑफ फोकस, हमेशा चैलेंज। दुनिया में जितने लोगों ने ज्यादा चैलेंज देखा है, ज्यादा चैलेंज को फेस किया है, वही सफल हुए। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात को? पक्का ना? जो जाबाज है ना, जो जाबाज है उनको ही दुनिया जानती है, सही है ना? और जो लड़े ही नहीं उन्हें कोई जानता है? थोड़ा बोलते रहो मेरे से, कोई जानता है उनको? कोई नहीं जानता। आप क्या चाहते हो, लड़ना या भागना? क्या चाहते हो? लड़ना। जो लड़ा है वो जीता है। लड़ने का उत्साह होना चाहिए, जीतने का उत्साह होना चाहिए। कब होगा? जब एक डिजायर होगा। ड्रीम ठीक है, ड्रीम तो बहुत लोगों के हैं दुनिया में, बहुत लोग सपने देखते हैं, बट हमेशा भागते हैं लड़ने से। एक स्टोरी बताता हूं। एक व्यक्ति थे, बोले साहब मुझे लड़ना है, मेरा नाम बहादुर है। क्या है? मेरा नाम बहादुर है। बोले अच्छा, नाम तो बढ़िया है तुम्हारा। तो सारे अस्त्र शस्त्र से लदे हुए थे, सब शस्त्र अस्त्र, जितना भी धनुष बाण फरसे तलवार सब कुछ था, एवरीथिंग लेस। और चलते थे झूमते हुए और बोलते क्या थे? मेरा नाम बहादुर है।
तो एक लड़ाकू मिला और एक तलवार लेके घूम रहा था और यूं तलवार घुमाई उसने, तो बोले आपका नाम बहादुर है, करते क्या हो? बोले हम लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। तो बोले चलो करते हैं, मिल गया जंगल में, बोले चलो लड़ाई करते हैं। बोले साहब मेरा नाम बहादुर है, मैं युद्ध करता हूं मेरे सिस्टम, मेरे नियम के अनुसार, मेरे कानून। बोले क्या कानून है, क्या नियम है आपका? बोले मेरा जो मैं बोलता हूं पहले वैसा कोई करता है फिर उसे लड़ता हूं। बोले क्या करते हो? बोले अगर मेरे से लड़ना है तो मेरी शर्तें। बोले क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त यह है जब मैं बोलूं लड़ाई चालू तो लड़ाई चालू, जब मैं बोलूं लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद। तो बोले ठीक है, तो बोले शुरू करें। बोले हां। जैसे ही उस दुबले पतले आदमी ने निकाली तलवार और यूं घुमाई एक जोर से, वैसे ही बोले साहब लड़ाई। ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, तीन दिन एक्साइटेड, चौथे दिन बोले साहब बॉस ने जरा फटकार लगा दी, तीन दिन फोन ही नहीं उठाते, लड़ाई बंद। फिर सेमिनार में आए, फिर एक्साइटेड हो गए, लड़ाई चालू, अपलाइन को बोले साहब करेंगे, और दो दिन के बाद बड्डे में चले गए, फिर लड़ाई बंद। छोटी छोटी चैलेंज जैसे जिंदगी में आई, लड़ाई बंद। ऐसे लोग कभी जीतते नहीं है, सफल नहीं होते। लड़ाई लड़ने वाले एक अनुष्ठान करते हैं, एक संकल्प लेते हैं, तप की भावना रखते हैं। तप, तप कितने लोगों को तप पता है? तप तपस्या पता है, तप से राजपाट। कितने लोगों ने सुना है लाइन? तप से राजपाट, तप करेंगे तो राजपाट निश्चित है। अंग्रेजी में तप को कहते हैं टेनासिटी। मेरे को अंग्रेजी बहुत आती है, ढूंढता रहता हूं, पूछता रहता हूं लोगों से, कोई पूछ ले भाई तप नहीं समझ में आ रहा है तो टेनासिटी, तो डिक्शनरी में देखना, ठीक है ना? तो टेनासिटी मतलब जो तप है, तप क्या है? आप देखें, अगर आज शिवाजी महाराज का नाम पूरी पूरा दुनिया जानता है कि नहीं जानता, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो वो डरने वाले थे कि लड़ने वाले थे? जोर से बोलो, लड़ने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी क्या थे? लड़ने वाले थे। दुनिया में जितने भी लोग महान आज बने हैं, चाहे वो कोई लीडर आपको दिख रहे हो या महापुरुष दिख रहे हो, वो लड़े कि डरे? जोर से बोलो, लड़े ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर 14 वर्ष तक जंगल में ना लड़े होते, चैलेंज को फेस बार बार ना किए होते, अगर इतने राक्षसों से ना भिड़े होते, रावण को ना मारे होते, आज कोई राम को पूछता क्या? जो भी दुनिया में पूजा जा रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसने लड़ाई किया है, चैलेंज से लड़ा है। चैलेंज जब आता है लाइफ में, आप उससे आंखों में आंख मिला के बात कर पा रहे हो क्या? अगर आप डर जाओगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आप नीचे देखोगे तो चैलेंज से डर जाओगे, जीवन में बड़ी सफलता कभी नहीं मिलेगी। जब महान काम कोई करने जाता है तो वहां पे बहुत सारी युद्ध उसको लड़नी होती है। नौकरी में क्या है? नौकरी में आदत, हैबिट बिल्ड हो गई, सुबह इतना बजे का अलार्म होगा, कौन सी सब्जी लेके जाना है, सुबह टिफिन बनी, घर वालों की भी ड्यूटी फिक्स है, नौकरी गए, काम किए, चले आए, दिन जिंदगी भर ऐसे ही करते करते खत्म हो जाते हैं। तो वहां पे तो कोई लड़ाई का काम नहीं है, वो तो करना इसलिए है क्योंकि वहां पे डर जुड़ा हुआ है, दाल रोटी जुड़ी हुई है, तो वो कोई महान काम नहीं है। वो तो 95% लोग कर रहे हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कुछ भी बन गए, कल से काम बंद, पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, एक बार काम, जिंदगी भर बच्चों के बच्चों तक एक लेगेसी क्रिएट हो सकती है अगर ठीक से लड़ा जाए तो। अगेन याद रखना, लड़ाई ठीक से करनी पड़ेगी, चैलेंज को ठीक से फेस करना पड़ेगा। चैलेंज आएंगे, जैसे ही आप डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे, संकल्प लेंगे, व्रत धारण करेंगे, सपनों को दीवार पे लगाएंगे, वैसे ही चैलेंज शुरू हो जाएंगे। अगर आप चैलेंज से डरोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए एक चीज आज दिल
दिमाग में उतार के यहां से जाइए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप सब हमारे भाई बहन हैं। परमात्मा ने अगर नागपुर बुलाया है, कहीं ना कहीं हमारा आपका कुछ रिश्ता होगा पिछले जन्म का। हेलो, यस। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दिल से कि आज जितने लोग यहां पे आए हैं इस सेमिनार में, वो सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आए, एक बदलाव आए। यही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जिंदगी भर जब तक इस दुनिया में हम और आप रहें, तब तक एक दूसरे को याद करते रहें। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे ऐसा? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं दिल से दिल जब जुड़ता है तो परमात्मा कहता है हम सब दुनिया में जितने लोग हैं सब भाई बहन हैं, और कुछ नहीं है। एक ही परमात्मा जो मेरे अंदर है वही परमात्मा आपके अंदर है, तो अलग कहां से हुए, एक ही तो है। तो दोस्तों, लड़ने की तैयारी करिए। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, अपने डिजायर, क्या डिजायर है आपका? अगर वो नहीं होगा तो आप बार बार डर जाएंगे, बार बार आप डर जाएंगे, बार बार आप आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन डिजायर, मेरा डिजायर था 15 लाख का कर्जा उतारना था, उसके सामने चैलेंज बहुत थे मेरे लिए। बिजनेस में लोगों को बात करते थे, कोई नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हम ठीक से तैयारी नहीं कर रहे थे। तैयार होना पड़ेगा, युद्ध करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, यह बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इस बिजनेस में आते हैं, उनको लगता है लोगों को लाएंगे, कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे और सफल हो जाएंगे, और फिर बाद में नर्वस हो जाते हैं। तो याद रखिए, सफलता के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ड्रीम को डिसाइड करना पड़ेगा कि ड्रीम है तो आपको पूरा करना है। उसके बाद जो जो जैसे ही आप चलेंगे रास्ते में, वैसे ही तुरंत आपकी शुरुआत होगी, और वहां पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा युद्ध करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ते 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 युद्ध को आपको जीतना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं? इस आवाज से तो नहीं तैयार हैं आप? कितने लोग तैयार हैं? पक्का? देखो, अब देखें, अगर तब की बात करें, चैलेंज देखें, तो दुनिया में कितने लोग राजा हरिश्चंद्र को जानते हैं? सुना है राजा हरिश्चंद्र के बारे में, जाना है, मतलब जानते हैं, मतलब पढ़ा है उनके बारे में, पढ़ा है ना? चैलेंज था कि नहीं था लाइफ में? बोलो तो सही यार, था ना? चैलेंज था, मतलब जिसकी पत्नी तक बेचनी पड़ी हो, बच्चे तक बेचना पड़ा हो, उसके बाद भी अपने सत्य व्रत को धारण किया। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हेलो, तो आज उनका नाम रोशन है कि नहीं? आज भी उनके बारे में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कितने लोगों ने प्रहलाद के बारे में पढ़ा है? प्रहलाद के बारे में पढ़ा है, सुना है? अगर होली आप मनाते हो तो प्रहलाद न होते इस दुनिया में तो होली न मनाई जाती। हेलो, तो प्रहलाद के लिए चैलेंज था कि नहीं था? बोलो ना यार। प्रहलाद के पिता जो थे उनका नाम था हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप बिल्कुल निर्दयी, कठोर और विरोधी था प्रहलाद का, क्योंकि वो राम राम करते थे प्रहलाद, वो विरोधी थे। चैलेंज था कि नहीं था? हाथी से कुचला दिया, गिरा दिया पहाड़ से, सांप से कटवा दिया, आग में जलाने की तैयारी कर दी, लेकिन जीता कौन? कौन जीता? सत्य जीता। कौन जीता? सत्य जीता। गोस्वामी जी कहते हैं असली धर्म क्या है? सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वर्णित है कि दुनिया में सत्य जीतता है, सत्य पे आना होगा, सच बोलना होगा, ईमानदार बनना होगा, तो चैलेंज से फेस करना बहुत आसान हो जाएगा, चैलेंज को फेस करना बहुत आसान हो जाएगा। दुनिया में जितने लोग, आप किसी का भी नाम ले लें, अगर आप बिल गेट्स की स्टोरी पढ़ें, फाइट किया कि नहीं किया उन्होंने? यार यस बोलो तो जोर से तो बोलो, पता तो चले कि आप सुन रहे हो मुझे। हेलो, कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? हाँ, तो ऐसे जोर जोर बोलना पड़ेगा तभी तो जाएंगे। तो बिल गेट्स की अगर हम आज फाइनल देखते हैं कि दुनिया के महान लोगों में नाम आ गया, कई सालों तक नंबर वन,
लेकिन चैलेंज को कितना फेस किया वो किताबों में लिखा है। हेनरी फोर्ड, कार चल रही है, अभी हमने उनकी कंपनी की गाड़ी ली है फोर्ड पिछले महीने में, फुली ऑटोमेटिक, गियर क्लच नहीं चाहिए। तो लेकिन जब फोर्ड ने पहली गाड़ी बनाई थी वो 8 सिलेंडर का इंजन क्या क्या, अगर आप उनका चैलेंज देखो, लोग बोलते थे नहीं बनेगी, उनके इंजीनियर बोलते थे नहीं बनेगी, उन्होंने बोला बनानी है। जो डिसीजन लेता है एक ही बात कहता है, सफल होना है, सफल होके दिखाना है। हेलो, डायमंड जाना है, डायमंड करके दिखाना है। लेकिन ज्यादा लोग चैलेंज से डरते हैं। तो जब लोगों के महापुरुषों की स्टोरी, कितने लोगों ने ब्रायन ट्रेसी को पढ़ा है, ब्रायन ट्रेसी को नहीं पढ़ा है तो किताब खरीदना। ब्रायन ट्रेसी की मैंने 4-5 किताबें पढ़ी, मेरी जिंदगी बदल गई। गोल पढ़ना ब्रायन ट्रेसी के, लक्ष्य, ईट दैट फ्रॉग, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, मैक्सिमम अचीवमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी किताब है पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक खुद पे डिसिप्लिन खुद में नहीं आएगा, खुद में बदलाव नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ा हमने, उनकी स्टोरी पढ़ोगे आपको लगेगा बाप रे बाप, इतनी तकलीफ, इतना संघर्ष किया उन्होंने, फाइनल दिख रहा है, फाइनल दिख रहा है सब। थॉमस एल्वा एडिसन, फाइनल दिख रहा है, 1093 पेटेंट दुनिया में दिख रहा है। चैलेंज, पहला ही चैलेंज शुरू हुआ, पढ़ाई कर रहे थे, टीचरों ने कह दिया बुद्धू है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव जो थॉट है वो काम आता है। मां अच्छी थी, मां ने क्या कहा कि टीचरों ने कहा है तू बहुत अच्छा है, घर में पढ़ाई कर, क्योंकि उन्होंने कह दिया स्कूल में मत भेजना, बुद्धू है। चैलेंज था कि नहीं था? हेलो, उसके आगे जब उन्होंने शुरुआत की, कहते हैं जो बल्ब जलाने के लिए हजारों बार ट्राई किया, तभी उनकी जो, अगर आप देखेंगे मैंने उनकी किताबों में जब पढ़ा तो पता चला कि उनको दाढ़ी आ गई बड़ी बड़ी, कटाने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, कई दिनों तक खाना रखा है पता ही नहीं उनको, चाय रखी है पता ही नहीं उनको, उसमें लीन हो गए कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो रोशनी चाहिए। आज 1093 पेटेंट करके दुनिया में नहीं है, लेकिन दुनिया उनको जानती कि नहीं जानती है। जितने लोग दोस्तों दुनिया में सफल हुए हैं, अगर आप किसी को भी देखेंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ वो काम किया है, वो काम किया उन्होंने। जब जब किसी ने चैलेंज को फेस किया तब तब उसका नाम पैदा हुआ है, तब करना पड़ेगा। तब की बात करें, देखो जब जंगलों में देवता यज्ञ करते थे खुशियों के लिए, राक्षसों को मरने के लिए, तभी उनको चैलेंज नहीं आता था। जैसे कहीं पे जाके अपनी धुनी रमाते थे और बोलते थे स्वाहा, वैसे ही राक्षस आ जाते थे तलवार ले लेके, वो हवन करना बंद कर देते थे, यज्ञ करना नहीं, कभी नहीं बंद करते थे, कभी नहीं बंद करते थे, वो वापस फिर से लग जाते थे, उठाते थे कहीं और जाके रखते थे। एक आदमी बिजनेस में आया नहीं किया, दो आया नहीं किया, 5 आए नहीं किए, हमें लग रहा था घोड़े हैं, गधे निकल गए। तो चैलेंज, लड़ाई बंद या चढ़ाई चालू, और ढूंढना है। वो क्या करते थे, वहां से अपनी कुंड उठाए और कहीं जाके स्वाहा, फिर उठाए और कहीं स्वाहा, फिर उठाए फिर कहीं स्वाहा, और जब जब वो स्वाहा स्वाहा करते थे उसी टाइम पे आकाशवाणी होती थी, तथास्तु, कोई ना कोई रूप धारण करके भगवान अलग अलग रूप में आके वो राक्षस को मार देते थे, उनका काम हो जाता था। हेलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? आप कितनी बार स्वाहा कर रहे हो? घर का चैलेंज आया, कई पति पत्नी में आपस में चैलेंज, फैमिली का चैलेंज, जॉब का चैलेंज, रिश्तेदार का चैलेंज, हेल्थ का चैलेंज, पैसों का चैलेंज, टाइम का चैलेंज, यही तो चैलेंज आते हैं, और क्या आते हैं बताइए, और क्या चैलेंज आते हैं? लोगों का चैलेंज, लोग नहीं सुनते हैं, कई कहते प्रोडक्ट महंगा चैलेंज, ये सब चैलेंज तो कुछ भी नहीं। उनके चैलेंज देखो जिनकी बातें हम कर रहे हैं, उनके चैलेंज के सामने अगर आप उनके चैलेंज देखें और हमारे आपके चैलेंज देखें, किसका बड़ा, उनका या हमारा? तो
धीरे क्यों बोलते हो फिर? कितने लोगों को डायमंड जाना है? जब धीरे बोलोगे तो मैं समझूंगा कि डायमंड आप क्या बताऊं आपको। कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? वो आप चाहिए डायमंड जाने की, वो मुझे पता चलेगा कुछ लोगों में अभी खत्म होते होते कि कौन कौन डायमंड जा रहा है। हम बहुत चिल्लाते थे, चिल्लाना इन द सेंस क्या था, आग बहुत थी, फायर बहुत था, ड्रीम में बड़ी अग्नि थी दोस्तों, फायर होता था। तो ज्यादा चिल्लाते थे तो कई सोचते थे ये क्या है, पढ़ा लिखा नहीं, सनकी है। ज्यादा जोर जोर ताली कूटते थे, चिल्लाते थे, आर्ट करते थे। बहुत लोग अभी हिसाब किताब लगाते बैठे हैं, परमात्मा ने उस महेश किरण दुबे को डायमंड बना दिया, वहां से यहां ला दिया। परमात्मा की लीला बहुत अपार है। सबसे पहले परमात्मा के आश्रित हो जाएं। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म का तो कोई विकल्प नहीं है प्यारे। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, नाहीन को सुख दुख कर दाता। कर्म तो करना पड़ेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्महीन नहीं बनना है, खूब काम करना है। लेकिन सिर्फ काम करने सफलता मिल जाएगी? काम तो नौकरी में भी बहुत है। परमात्मा फर्स्ट, जब उसके भरोसे हो जाएंगे तो हे अर्जुन बाण चलाओ। बाण तो चलाना होगा, चलाना होगा कि नहीं? बाण तो चलाना होगा, बट चैलेंज से कभी मत डरना। चैलेंज आएंगे। कृष्ण की बात करें, देखिए क्यों बता रहे हैं, कृष्ण की बात करें। कृष्ण एक समय, वो टाइम आया, खुद जंगल में भाग गए, जो आज दुनिया पूछती है उनको। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए जंगल को, एक समय कंस को पिछाड़े एक क्षण में, एक समय रावण ने दसों दिशा जीत ली, एक समय दसों शीश काटे गए रण में। केशव दास कवि विचार के कहत हैं कि मानो के तीन पन होते एक क्षण में, एक डिसीजन आपको डायमंड बना देगा। पता नहीं, चैलेंज आएंगे, डरो मत। चैलेंज तो आएंगे, चैलेंज से क्यों डरना? जब रामकृष्ण हरि पांडुरंग विठला जिनकी बातें दुनिया मानती जानती है, जब उनको चैलेंज देखना पड़ा तो हमारे लिए चैलेंज, हमें क्यों डरना? शेर जो होता है ना, वो कभी डरता नहीं है, हालात कितने भी आ जाएं। लेकिन छोटे मोटे जीव डरते हैं, इसीलिए उनको लोग खा जाते हैं, मारे जाते हैं। हेलो, समझ में आ रही बात कि नहीं? शेर कभी डरता नहीं, हां धारता रहता है, हर परिस्थिति में धारते रहो। कब धारोगे? जब परमात्मा को साथ ले लोगे, कि जब मेरे साथ वो परवरदिगर परमात्मा स्वयं है तो डर किस बात की है। जहां पर बस न चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली के तानों से। हा, इतना बड़ा परमात्मा हमारा, वो आपके साथ बैठा है, कहीं जाना नहीं है, ढूंढने नहीं जाना है, अंदर ही है। प्रेरणा करेगा आपको समय समय पे, जब आप उसके साथ परमात्मा को लेके चलोगे। हमने किताब में पढ़ा था कि आप हर परिस्थितियों से जीतोगे जब परमात्मा को पार्टनर बना लोगे। क्या बना लोगे? पार्टनर बना लोगे। परमात्मा तू मेरा पार्टनर है। अब जिस कंपनी का मालिक साथ में पार्टनर हो सीनियर, वो कभी घाटे में जाएगी? कई बार क्या होता है, मैं कर रहा हूं ना, मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, मैं, मेरा प्लान कैंसिल हो गया, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका, मैं कट गए, मैं मैं नहीं करना है। मेरे परमात्मा, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं से, या मेरे परवरदिगार, मेरे ईश्वर, जो भी भगवान को मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, या मालिक तू ही प्लान दिखा दे, मैं तो निमित्त हूं, तू ही दिखा देना। हे प्रभु, मेरे प्रोडक्ट का टर्नओवर करना है, मुझे डर लग रहा है। हे मेरे दाता,
तू ही बात कर ले मेरे द्वारा, करवा दे ना। एक बच्चा जब अपने बाप से किसी चीज के लिए जबरदस्ती करता है, रोता है, गाता है, बाप गरीब भी हो तो भी उसके लिए दिलाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? हेलो, करता है कि नहीं करता है? करता है। अगर हम उस परम पिता के पुत्र हैं, परम पिता के बच्चे हैं, बच्ची हैं, अगर उस परमात्मा को अपना मान लें, उसको सब कुछ मान लें और उसे गिड़गिड़ाएं, उसे रोएं और फिर कर्म पे निकलें और उसको साथ लेके निकलें, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? छह लोग आएंगे कि नहीं? बारह आएंगे कि नहीं? सौ आएंगे कि नहीं? परमात्मा रूप धारण करके आ जाएंगे, आपके लेग बन जाएंगे और छह प्लेटिनम बनेंगे और आप डायमंड बन जाओगे। ये परमात्मा की लीला है। महेश दुबे बहुत बहुत सोच को लग रहा था सब, महेश दुबे करेगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसके ऊपर आश्रित हो गए, उससे बार बार आंसू निकलने लगे मेरे कि हे ईश्वर, मेरे से नहीं हो रहा है ये काम, शायद मुश्किल होगा, था आसान लेकिन मुझे मुश्किल दिख रहा था। आपको भी लग सकता है, हो सकता है मुश्किल लग सकता है, लगता है, लेकिन सारथी बना लो उस परमात्मा को। अर्जुन ने अगर परमात्मा को सारथी ना बनाया होता, क्या वो चैलेंज को फेस कर पाते? क्या कौरव को जीत पाते? कौरव से नहीं जीत पाते वो। जिसने जिसने भी परमात्मा को सारथी माना, उसकी नैया पार हो गई। हम फिर बोलते हैं, जो भी बातें हम आपसे कर रहे हैं, आपको एक बात बताने के लिए, समझाने के लिए, अगर हनुमान जी परमात्मा के शरणागति ना आ जाते, परमात्मा को हर जगह ले लेके उनका नाम ले लेके जयकारा ना लगाते, क्या इतने विजेता होते? क्या आज घर घर उनका गली गली में मंदिर होता? जोर से बोलो ना भैया। क्यों उनका नाम विजेता में आया? क्यों आया? क्योंकि उन्होंने उनका सहारा लिया, जहां भी गए उनका ही नाम लेके जयकारा लगाए और हमेशा यही बोलते रहे, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। अहंकार नहीं आया कभी उनको। जब वो पूरा लंका जला के आ गए और भगवान की शरणागति आ गए, भगवान की शरणागति आए तो भगवान ने कहा, यार हमने तो आपको बोला नहीं था लंका जलाने को, क्यों जला दिया आपने? तो हनुमान जी ने कहा, मैंने नहीं जलाई लंका, मैंने कहा जलाई? वो भी एकदम गुस्से में बोले, मैंने नहीं जलाई। तो राम जी ने कहा, फिर मैंने जलाई? बोले, यही तो मैं कहना चाहता हूं, जलाई आपने। ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ यार। और यहां बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट मजबूत होता है, सही है ना डॉक्टर साहब? और ताली उत्साह का प्रतीक है, खुशियों में बजाई जाती है, सही है ना? गमी में बजाई जाती कभी? तो ये खुशी की बात है कि नहीं, आप आने वाले 2 से 3 साल में सब डायमंड जा रहे हो, है ना खुशी का माहौल? मैं आपको बताऊं, डायमंड पहले सुना करता था, और जब अभी हम 10 महीना पहले करीब जब डायमंड परमात्मा ने मुझे बनाया, अगेन परमात्मा ने, मेरी औकात नहीं थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि चैलेंज मेरे लिए बहुत मुश्किल दिखते थे। और इसीलिए मैं आपको सरल कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा आसान कि जो मेरे लिए हुआ मैं आपको बता दूं, सही है ना? आसान लग रहा है कि नहीं? सारथी परमात्मा को आज के बाद बना लो। हमने वही किया क्योंकि मुझे और कुछ आता नहीं था। द्रौपदी बड़ी बड़ी, उसको द्रौपदी को घमंड था कि मेरे 5 पति अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ऐसे दिग्गज सब बैठे, युधिष्ठिर बाल बांका नहीं कर पाएगा, दुर्योधन कुछ भी नहीं, दुशासन मेरी चीर क्या खींचेगा? फिर क्या हुआ? 5 पति भूल बैठे मती, क्योंकि पहले ही जुआ में हार गए द्रौपदी को। अब क्या, अब दुशासन लगा चीर खींचने, तो पहले ईगो था कि मेरे 5 पति मुझे नग्न नहीं होने देंगे, मेरे को बेइज्जत नहीं होने देंगे। आप इस बिजनेस में आए हो दोस्तों,
कई बार लगेगा यूं हो जाएगा और फिर नहीं होता है, फिर आदमी निराशा की तरफ जाता है क्योंकि परमात्मा को भूलने लगता है। द्रौपदी जब निराश हो गई तब क्या किया, जब उसको लगा कि अब तो लाज गई मेरी, अब क्या होगा। कई बार आप कुर्सी पर बैठे हो, मैं बैठा होता था, मुझे लगता था लोग सफल हो रहे हैं, मैं कैसे हो जाऊंगा, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो होशियार नहीं हूं, तो मैं कैसे सफल हो जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता था, पीछे बैठता था मैं। जीवन में आज तक हमने कभी भी अपने अपलाइन को कोई सवाल नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा आज तक, अभी भी नहीं पूछता हूं, आया ही नहीं सवाल, क्योंकि एक पता चला प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है। कितने लोग तो प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है ना वर्ल्ड क्लास, क्योंकि मेरी जिंदगी बदल गई प्रोडक्ट यूज करके, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। आज हम 500 पीबी का प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है, कितने का। इसीलिए मैं हर साल जब मेरा जन्मदिन आता है तो मैं 25 का हो जाता हूं। कई लोग पूछते हैं सर कितने के हो गए, मैं बोला 25, बोले पिछले साल भी, बोला अभी 25 हो गया, फिर 25 लग गया मेरे को। हेलो, चाहते हो ऐसा। अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया तो लोगों को बताना आसान है ना, काम सिंपल है कि मुश्किल है, उसी का नेटवर्क बनाना है। आप 500 पीबी का प्रोडक्ट मान लो यूज किया, बेचे, तो कितने परिवार चाहिए 10,000 पीबी के लिए, 20। तो पहला चैलेंज आपको देखना है कि अगर मैंने यूज किया और मुझे अच्छा लगा तो बताना आसान है, लेकिन अगर आपने यूज नहीं किया, आपको विश्वास नहीं आया, तो बताना मुश्किल है। तो चैलेंज जो है उसको खत्म करना है, खुद के विश्वास से आप लोगों को जगा सकते हो। द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी को जब अपना सहारा, जब अपने पतियों का टूट गया तो परमात्मा पे उनको भरोसा था। किस पे भरोसा था, लेकिन परमात्मा बाद में याद में आए। महेश दुबे यूज कर रहा था लेकिन लगता था महेश दुबे कर लेगा। फिर क्या हुआ, द्रौपदी ने क्या किया कि दुख हरो द्वारिका नाथ, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण अब तेरी आज अबला की लाज बचोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ। रोई द्रौपदी, चिल्लाई कि अब तो नग्न हो जाऊंगी सभा में। तब क्या किया उसने, जब परमात्मा को उसने गुहार लगाई तो परमात्मा द्वारिका गए, पास में खड़े थे, लेकिन भक्त जो बोलता है भगवान वैसे ही करते हैं। भगवान द्वारिका जाके आए, थोड़ा विलंब हुआ और चीर बढ़ाई, और द्रौपदी की लाज बची कि नहीं, यह विश्वविख्यात हुआ कि नहीं। जब आप प्लान दिखाने जाते हो, जब आपको कोई चैलेंज आती है, फैमिली में आती है, जॉब में आती है, अनेक प्रकार की चैलेंज जब आपको सताती है, और जब आपका गोल, आपका ड्रीम आगे पीछे होता है, उस समय कौन सहायता करेगा आपको। इतना धीरे बोलोगे तो नहीं करेगा, कौन सहायता करेगा, परमात्मा। कौन करेगा, परमात्मा। गॉड इज एवरीथिंग। वो दुनिया चलाने वाला है, जो दुनिया चला रहा है उसके लिए डायमंड लेके जाना आसान है कि मुश्किल है, कितने लोग लगता आसान है। चैलेंज को दोस्तों लड़ना होगा। भागने वाला कभी जिंदगी में उसका नाम किताबों में नहीं आता है, उसकी फोटो नहीं बनती है, उसे कोई नहीं पूछता, उसके साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाता है, कोई सीडी किताब नहीं बनती उसकी। जब तक सफल ना हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता आएगी, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, चुनौती तो आएगी। क्या कमी रह गई है, देखो, सीडी किताब, मीटिंग, अप्लाइंग, काउंसलिंग, यूज, रिटेल, नेटवर्क, 4 बेसिक, लिस्ट बनाना, कॉलिंग करना, प्लान करना, 300 पीबी क्लब में आना, 500 पीबी करना, जो आपकी अप्लाइंग सिखाती है, कहां गड़बड़ है, चेक करिए आप, कहां गड़बड़ है। ईमानदार है क्या, सच बोलते हैं क्या, निगाहें साफ है क्या, सेवा कर रहे हैं लोगों की क्या, थोड़ी नींद कम कर रहे हैं क्या, जो नींद को, भोजन को थोड़ा दूर करता है, टीवी को दूर करता है, बहुत सारी जो तत्कालिक खुशियां हैं उनको दूर करना होगा, तब सफलता दिखेगी। ऐसे नहीं दिखेगी, तब चैलेंज आपके दूर होंगे। असफलता एक चुनौती है, चेक करिए क्या, कहां गड़बड़ हो रही है,
कौन सा बेसिक नहीं कर रहे हो, चेक करिए, चेक लिस्ट बनाइए आप। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, मानो, ऐसा नहीं मानो मत। कई लोग क्या करते हैं, सब कुछ है मानते ही नहीं है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। बात क्या है, कितनी तगड़ी है, क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। कितने लोग सुधार करने को तैयार हैं? बिना कुछ किए ही, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कैसे बनोगे प्लेटिनम, कैसे बनोगे एमरल्ड, कैसे बनोगे डायमंड, कैसे पूरी दुनिया जानेगी आपको दोस्तों, उसके लिए बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। कुछ नहीं था लाइफ में, सब खत्म हो गया था, चैलेंज इतने बाप रे बाप। डायमंड जाने का डिसीजन लिया, जैसे ही डिसीजन लिया परमात्मा ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया, तुरंत परीक्षा शुरू हो गई। जब हम पहले स्टार्ट में, जब हमने कहा दो साल में हम अब सफल हो जाएंगे एक साल के अंदर, और हम दो साल का जो डिसीजन लिए उसी दो साल में इतने चैलेंज आए, इतने चैलेंज आए कि देख के डर गया मैं, घबराने लगा, भगवान क्या हो रहा है, घबराहट होगी आपको। अप्रैल में डिसीजन लिया और तीन चार महीने उसी दरमियान में मेरी बहन खत्म हो गई, फांसी लगा ली, दहेज प्रथा में, मैंने बताया था स्टार्ट में आपको। सोचो चैलेंज तुरंत आ गया, इतना बड़ा चैलेंज। लेकिन परमात्मा ने मुझे भी बहुत कट्टर बना दिया, बहुत कट्टर बना दिया, क्योंकि हमने कसम खा लिया, जब आप प्रतिज्ञा कर लेंगे, जब आप प्रण कर लेंगे, तब कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला पाएगी। भगवान शिव ने भी संकल्प लिया था, एक समय पार्वती जी कहना नहीं मानी, उन्होंने सीता का वेश बनाया। क्यों बता रहा हूं आपको, शिव जैसे जो अनादि देव, उनको भी संकल्प लेना पड़ा, उन्होंने संकल्प ले लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, या इतन सती भेंट बनाही। कितने बड़े संकल्प लिए हमारे, हमारे जो जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्होंने संकल्प लिए। हमारा संकल्प रोज होता है, रोज टूट जाता है। छोटा चैलेंज आया, संकल्प टूट गया। नहीं नहीं सर, आपको मालूम नहीं है, मेरा चैलेंज बहुत बड़ा आ गया सर। सर मैं मीटिंग में आने ही वाला था, वैसे ही मेरे मामा जी घर पे आ गए, पावने आले घरे सर, पावने आले, तो पावने आले घरे, तो पावने चार करू मीटिंग ला, कसा है उमी। खूब जोरात फीवर आला, आहा क्या बात, एकदम फीवर ऐसा आ गया अभी लगा मरी जाएंगे। 103 डिग्री बुखार में मीटिंग अटेंड किया महेश दुबे ने, 103 डिग्री तप रहा था। अप्लाई ने पूछा क्यों आए, मैंने कहा आपने तो कहा था, क्योंकि मैंने किसी को सुना, एक मीटिंग छोड़े तो एक साल पीछे जाते हो, मैं डर गया। बोले 17 मीटिंग अटेंड किया, बोले 17 हो गई साहब, बोले 50 करनी है लगातार, 50,000 आएगा, 17 किया एक छोड़ दिए जीरो, कितना मुश्किल काम है। डर लगता है आपको, लगता है कि नहीं, मुझे तो डर लगा था बहुत। तो बुखार ने भी चैलेंज दिया, हेल्थ ने भी चैलेंज दिया, फैमिली का चैलेंज भी आया। पैसे एक एक रुपया नहीं थे मेरे पास, 50 रुपए की टिकट के लिए लाइन में जाके मैं कई लोगों से उधार लिया हूं कई बार, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। परमात्मा जानता है, क्योंकि जो हुआ है वो बोलने में अच्छा लगता है। हेलो, आज भी आंसू आते हैं कि वो दिन था, कुछ नहीं था, चैलेंज इतने। कर्जे वाले सुबह आते थे, धनतेरस के दिन मेरे घर पे 5 बजे चार लोग आ गए, 12,000 कर्जा खाली देना था। मेरी पत्नी पूछो, धनतेरस, कई साल तक दिवाली होली नहीं मनाई, हट, काय का त्योहार, काय का होली, काय की दिवाली, काय का त्योहार, कुछ नहीं मनाना। अगर पैसों के साथ में जीवन में सब कुछ खुशियां और सब कुछ दुख है, जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक परमात्मा खुशियां नहीं दे, कुछ नहीं मनाऊंगा। कट्टर बना, कसमें खाई, साले की शादी, मामा की ये, फलाना ढिमका, कोई मर गया, क्या हो गया, कैसा हो गया, कितनी तकलीफें आई, कुछ भी कहीं पे भी नहीं गया मैं, क्योंकि मैं उस तकलीफ से गुजर चुका था। 8-10 साल मैंने देखा था। रहीम ने कहा जिंदगी में चैलेंज आना चाहिए, विपदा आनी चाहिए, समझ आती है,
रहिमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए हित अनहित यह जगत में जान परत सबको पता चल जाता है। आना चाहिए चैलेंज लाइफ में, मेरे भी आया, बहुत आया, भर भर के आया। कर्जे का चैलेंज, फैमिली का चैलेंज, पैसों का चैलेंज, हेल्थ का चैलेंज, घर वा घर नहीं है, मकान मालिक बोलता सामान फेंक देंगे आपका, एक एक सामान लोग मेरा लेके चले गए। 3,000 के लिए कोई मेरा सोफा ले गया, कोई मेरा 4,000 के लिए शोकेस उठा के ले गया, कोई बेड ले गया, जमीन में सोते थे हम, क्या कम चैलेंज देखा? लेकिन एक आग आ गई, एक फायर आ गया, वो परमात्मा को साक्षी बनाया, परमात्मा को पार्टनर बनाया कि हे ईश्वर तू मेरी मदद कर, और परमात्मा ने मदद किया। परमात्मा तो मदद करता है। प्लेटिनम से आगे तक लड़ाई चली, जब डायमंड जाने का, जब आप बड़ा डिसीजन लेंगे, जब आपका बड़ा डिसीजन होगा, तब आपके जीवन में चैलेंज परमात्मा भेजेगा। भगवान तो कई बार काल रूप बन के भी आते हैं। काल रूप तिन कर्म है भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते हैं कि मैं अलग अलग रूप धारण करता हूं, कई बार काल बन के भी आके आपको डराऊंगा, चैलेंज बन के आएंगे भगवान। आपको चेक करना है अपने आप को, चेक योर सेल्फ। उस टाइम पे आपकी चुनौतियों को आपको समझना होगा, आपको देखना होगा। किताबें ज्यादा पढ़नी होंगी, वाचाल तर वाचाल, पढ़ोगे तो बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। लीडर इज रीडर, पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा किताबें पढ़नी पड़ेगी। हमने बहुत पढ़ाई शुरू की, हम पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत किताबें पढ़ी हमने, आज भी पढ़ते हैं, बहुत सीडी सुनी। एक मीटिंग नहीं, हफ्ते में 3-3 ओपन मीटिंग अटेंड किया हमने। चैलेंज था, पैसे नहीं थे, मैं बोला और कर्जा ले लेंगे, फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता था इसी से सब कुछ होने वाला है। इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, बार बार पैसा नहीं है, एसओसीडी प्रोग्राम ब्रिट वर्ल्ड वाइड बता दे, जब से कमिटमेंट किया है आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एसओसीडी प्रोग्राम पे नहीं है। बहुत लोग सर करा लेंगे ना, तो करा लेंगे तो डायमंड भी चले जाएंगे 100 साल बाद। हेलो, हाँ, एसओसीडी प्रोग्राम पे है क्या? नहीं है तो करा के जाइए, कसम ले लीजिए कभी बिना उसके नहीं रहेंगे। आई तो पढ़िए सुनिए, प्रसाद लेके जाइए। मैं तो कहता हूं जब आप ओपन मीटिंग में सेमिनार में आए, सीडी बुक का प्रसाद लेके जाएं घर में, एक प्रसाद है। आप तीर्थ में जाते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, कुछ वहां से अच्छी चीज लेके आते हैं, आपको समझना होगा कि यहां पे प्रसाद क्या है, टूल्स जो आपको टिकाएगा। हमने किया, पैसे नहीं थे हमारे पास, डायमंड जाने का डिसीजन लिया, इतने चैलेंज तुरंत आ गए। जैसे ही डिसीजन लिया, मेरी माता जी को पैरालिसिस हो गया। मैं अपना चैलेंज बताऊं ना, जो आपके सामने महेश दुबे बात कर रहा है डायमंड बनके, वो बता रहा है अपनी चैलेंज आपको। माता जी को पैरालिसिस, फ्लाइट की टिकट बहुत हाई, 30,000 लखनऊ, 28,000 देखा, पूरे परिवार को जाना था, कार लेके चले गए सीधा, क्या करें, लेकिन कमिटमेंट निभाया। रात को पता चला माताजी हॉस्पिटल में, सुबह मीटिंग थी, टीम मीटिंग रखी थी, लीडर मीटिंग, सारे लीडरों को इन्फॉर्म किया, तुरंत मीटिंग की, रो रो के मीटिंग की, कमिटमेंट था मीटिंग करेंगे। मीटिंग किया, रोते रोते कार उठाई, गांव गए, 20 दिन निकल गए। उनको थोड़ा सा राहत हुआ, घर पे गए, फिर बाद में चैलेंज, फिर उनको उठा के लाए। किरण जी को बिल्कुल निकलने को मौका नहीं मिला डायमंड शिप में, उनकी सेवा करना था, लोग लगे थे, डॉक्टर आ रहे थे, बार बार हॉस्पिटल लेके जाओ, पिताजी भी आए, वो चल रहा है। सोच के देखिए आप कितना बड़ा चैलेंज भगवान ने परीक्षा ली। कई चैलेंज और आए, कई लोग जो अपने थे वही दुश्मन बन गए, जिनको हम देख रहे थे मेरे, मेरी जिंदगी में मेरे हमेशा काम आएंगे, वही अलग अलग रूप धारण कर लिए, काल बन गए, वही रुला रहे थे, क्या ये बंदा डायमंड कैसे जा रहा है। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं, लेकिन गुरु कृपा रही, गुरु के साथ काउंसलिंग किया। हमेशा गुरु के साथ काउंसलिंग करिए, गुरु का मतलब परमात्मा। कबीर ने कहा कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो तो सहाय। हां, हमेशा गुरु की शरणागति लेकर रहिए, नैया पार हो जाएगी आपकी। अपने गुरुदेव को याद करिए, कौन है आपका गुरु, चेक करिए कौन आप में बहुत फोकस कर रहा है, कौन आपके जीवन में प्लस करना चाहता है, वही आपका गुरु है। दोस्तों, बहुत सारा चैलेंज, बट फोकस था डायमंड जाना है, फोकस था डायमंड जाना है। क्यों? तड़पड़ा रहे थे, विचलित हो रहे थे, नींद उड़ गई थी। क्या आपकी उड़ रही है अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए, या आप चैलेंज में अटके पड़े हो? सेम टाइम पे पता नहीं गॉड प्लान, बेटे की शादी का भी चक्कर, थैंक गॉड कि वो भी हम लोग विजुलाइज कर रहे थे कि बेटे की शादी हमारी हो, तो बिजनेस से, जो बिजनेस में ब्रिट में कोई हो,
हम गए ऑस्ट्रेलिया, एक टेबल पे वेज खाना खा रहे थे, प्योर वेज खाते हैं, वहां गए, एक व्यक्ति मिल गए वाराणसी के, श्रेष्ठ मणि जी दुबे, परमात्मा की कृपा पता नहीं, 2012-13 की बात है, बेटा बड़ा होते गया, एमबीए कर लिया, प्लेटिनम हो गया, अभी घर में हमारे तो पहले से हो रहा था शादी करो, क्यों बता रहा हूं आपको, परमात्मा सब कुछ देगा। वो वाराणसी से एमरल्ड गवर्नमेंट जॉब में, अभी एमरल्ड गए, वो बेटी के साथ पिछले साल हमारे बेटे केशव की शादी हो गई, गीत के साथ, गीत और केशव की, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, यही से हो गई, संस्कारिक परिवार मिल गया। लेकिन उसी में था जब मैं डायमंड जा रहा था, उसी टाइम पे उसकी मंगनी, उसी टाइम पे एंगेजमेंट प्रोग्राम, उसमें 10 दिन निकल गए, क्या क्या नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूं, सारे काम हुए। कितने भी संघर्ष होने दो, अगर आपने मंजिल डिसाइड कर लिया है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आप स्टेज पे डायमंड मैन की स्टोरी बताओगे। सिर्फ एक ही बात याद रखना, आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए, अगर आप डर जाओगे तो मर जाओगे, डरने वाला हमेशा मरता है, हमेशा मरता है, और जो निडर बनता है, निडर कैसे बनना है, गुरु का, परमात्मा का साथ लेना है, BWW ग्लोबल का साथ लेना है, ट्रेनिंग लेनी है, यही सब है जो आपको टिकाएगी, आपको चैलेंज से लड़ने को सिखाएगी। कर सकते हो आप? yes. किरण जी को सुनना चाहोगे? yes. मैं चाहता हूं किरण जी कुछ बात करें, फिर हम आके खत्म करते हैं। आइए प्लीज किरण जी, जोरदार ताली किरण जी के लिए। थैंक यू, फिर से सबको नमस्कार। आवाज नहीं आई, आवाज खूब किया करो, इनको तो कम आवाज कम ताली पसंद नहीं आती, बार बार इनको बोलना पड़ता है। एक बात बताइए, जो यहाँ से बोलता है उसको ज्यादा ताकत लगती है, वहां बैठ के ताली बजाने में ज्यादा ताकत लगती है? धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, परिस्थितियां तो सबकी ऊपर नीचे होती है, कभी ना कभी होती है ना, लेकिन क्या हमारी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है? जिंदगी तब तक नहीं खत्म होती है जब तक हम और आप सब लोग लड़ने के लिए इनकार नहीं करते हैं कि बस अब नहीं लड़ सकते हैं, और उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन बोल देते हैं, क्योंकि जिंदगी का हिस्सा है। दुख आएगा, सुख आएगा, ये दोनों आते हैं हमारे जीवन में। जैसे हमारा घर गंदा होता है, लेडीज लोग को बोलती हूँ, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, उसे झाड़ू से साफ करते हैं? थोड़ा से मेहनत लगती है, लेकिन अव्यवस्थित घर, बिखरा हुआ घर अगर सुधर सकता है तो क्या हमारी जिंदगी नहीं सुधर सकती? सुधर सकती है, थोड़ा से मेहनत, थोड़ा से ईमानदारी, थोड़ा से बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन थोड़े दिनों तक तो हमारी जिंदगी भी सुधर सकती है। हमेशा ईश्वर में समर्पण रहना चाहिए, हमेशा उनका ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि चैलेंज देने वाले वही और निकालने वाले भी वही। जब हम उनमें समर्पण हो जाते हैं तो हमारी मदद करते हैं, फिर हम उसमें से निकल पाते हैं, हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाती है। एक डिसीजन लेना पड़ता है हमको इस बिजनेस में, डिसीजन के बगैर कुछ नहीं होता है, अगर हम डिसीजन नहीं लेते तो आज आपके सामने नहीं होते। लेडीज लोग को मैं वही बोलूंगी, उसी टाइम पे, समय कैसे भी हो, लेकिन टाइम टाइम पे अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि सुख में साथी हमें, दुख में कोई और है, अगर हम सुख उठाएंगे तो दुख में हम साथ साथ में लेते हैं। अगर दो हो जाते हैं एक, तो कहते ना एक और एक दो नहीं होते हैं, वो 11 बन जाते हैं, और 11 बन के जो कहीं निकल जाते हैं तूफान मचा के आते हैं वो। हम लोगों ने वही किया, बताया ना, डायमंड शिप में हम नहीं काम कर पाए इनके साथ में, लेकिन जो काम हम कर रहे थे घर के अंदर, उनको वही बहुत बड़ा सपोर्ट था। उनके पेरेंट्स का ध्यान हम देख रहे थे उस टाइम पे, क्या वो कम था? बहुत बड़ा था, लेकिन डायमंड शिप हुआ तो कहीं वो कुछ कर रहे थे, कहीं कुछ और हम कर रहे थे, तो दोनों मिलके किए, क्योंकि उनको ताकत मिलती थी कि घर में हमको टेंशन नहीं है। लेडीज लोग को मैं बोलती हूँ,
सपने किसके होते हैं बड़े बड़े, बोलो ना। लेडीज के, हम भी ऐसे ही बोलते थे, आवाज नहीं निकलती थी, आज निकलने लगी। तो आप लोग धीरे बोल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमारे ही सपने होते हैं, मकान जेंट्स खरीदते हैं लेकिन घर लेडीज बनाती हैं। बच्चों का नाम जेंट्स लिखवा देते हैं लेकिन उनको कैसे पढ़ाना है, उनका यूनिफॉर्म कैसे रखना है, उनको बुक दिलाना है, ऐसे ही भेज देना है बैग लेके, ये लेडी डिसाइड करती हैं। कितना ज्वेलरी पहनना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे घर बनाना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। बता दिए कि कभी हम सब्जी लेने नहीं गए, आज भी नहीं जाते हैं, कोई शौक भी नहीं है सब्जी लाने की, सब्जी लाना कोई काम नहीं समझती हूँ मैं। 2011 से ही गाड़ी चलाती हूँ एक्टिवा, मेरी बहुत शौक थी गाड़ी चलाना, चलाती हूँ। वहाँ जाऊँगी तो कुछ नहीं, बस बाजार देख के धनिया मिर्ची लेके आती हूँ, बाकी कुछ नहीं लाती हूँ मैं। कार चलाने की बहुत शौक है, सीख भी ली हूँ। अब मेरा सपना है कि गाड़ी मैं चलाऊँ और बाजू में ये बैठे तो और अच्छा लगता है। इसी बिजनेस के माध्यम से पहले गाड़ी लिए तो गियर वाली थी, क्लच वाली थी, अभी उसको हटा के ऑटोमेटिक गाड़ी ले लिए, शायद हमारे लिए लिए हैं। अच्छा लगता है, आप लोग को भी साथ ये हो सकता है, एक डिसीजन लेना है, काम करना है। लेडीज लोग को ऐसे मैं बोलती हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है, अपलाइन अच्छा है, किसको अच्छा होना है, हमको अच्छा होना है। दिन दिन बदलना है, थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना है, एक दिन में कोई नहीं बदलता है। अगर हम बोलें कि हम पूरी तरह से बदल गए तो ये गलत होगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलेंगे। आप लोग भी बदल सकते हो। ये बदलाव का बिजनेस है, ये प्यार का बिजनेस है, ये लगाव का बिजनेस है। इसमें बाकी कुछ नहीं है, पहाड़ नहीं उठाना है, छोटे छोटे काम ही पहाड़ बन के खड़े हो जाते हैं, जो आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस बिजनेस में सब कुछ मिलता है, मान सम्मान मिलता है। मुझे भी चाहिए था लेकिन मुझे नहीं पता था कि लेडीज का मान सम्मान क्या होता है। कपड़े के लाइन में थे, हमको कोई नहीं जानता था, आज जितना लोग इनको जानते हैं उतना लोग हमको जानते हैं। लेडीज को मैं वही बोलूंगी, भले आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, पैसे दोनों मिलके कमा सकते हो, लेकिन मान सम्मान दोनों को एक बराबर नहीं मिल सकता। इस बिजनेस के अलावा कहीं नहीं है, यही एक बिजनेस है जो कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहते हैं, यही एक बिजनेस है जो हम साथ साथ में बात कर सकते हैं, यही एक बिजनेस है जो हम साथ में टूर पे जाते हैं। बाकी जेंट्स लोग जो बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं टूर पे जाते हैं, लेकिन लेडीज का हता पता नहीं रहता वो कहाँ रहती हैं, उनका वही घर दिखता है और वो इंजॉय करके अकेले आते हैं। बहुत पैसा होगा आपके पास, हो सकता है गाड़ी भी होगी आपके पास, बंगला भी होगा आपके पास, लेकिन आपके पास टाइम नहीं कि आप अपनी फैमिली को कहीं घुमा के लाओ। आप ड्राइवर को बोलते हो मेरी फैमिली को घुमा के लाना, गाड़ी आपकी, फैमिली आपकी, बीबी आपकी, इंजॉय ड्राइवर करता है। यस, पूरा इंजॉय करना है तो बिजनेस करना है। बिजनेस में डायमंड जाके इंजॉय मिलता है फ्रेंड। पीछे वालों को मैं वही बोलती हूँ हमेशा कि जहां आप लोग बैठे हो ये हमारा कल था, जहां हम खड़े हैं ये आने वाला आपका कल हो सकता है। छोटे छोटे काम करने हैं, बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है, और सपने जब पूरा होते हैं फ्रेंड तो इतना अच्छा लगता है कि खुली, कैसे ना कि सोने के बाद सपना जो होता है वो सपना नहीं होता है, खुली आंख से सपना जब पूरा होता है, आज हमारा खुली आंख से सपने पूरे होते हैं तो लगता है सही में जीवन जीने का मन करता है कि और ज्यादा साल जिए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे हम। रोज बदलना है, बदलाव के ऊपर एक छोटी सी कहानी बता के मैं खत्म करूंगी, क्योंकि हम भी हस्बैंड को सुनते रहते हैं, उनको सुनते हैं तो हम भी भूल जाते हैं कि हम भी बैठे हैं। कितने लोग ऐसे जाते हैं। बदलाव के ऊपर मैं छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक गाँव में बहुत अच्छा मंदिर था, वहां पर बहुत सारे भिखारी बैठे थे, पुजारी भी थे, पूजा पाठ रोज होता था, लेकिन उसमें से एक भिखारी कुछ ज्यादा ही समझदार था, भगवान को मानता था, रोज बोलता था भगवान अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं ही मंदिर के बाजू में एक मंदिर में भी बना लूं। सुनते रहे, कहते ना रोज रोज कुछ मांगते हो तो जरूर एक दिन मिल जाता है। एक दिन उसकी लॉटरी लग गई, मंदिर भी बन गया उसका बहुत अच्छा से,
पुजारी भी रख दिया, पूजा पाठ होने लगा, लेकिन भिखारियों के लाइन में बैठना वो भिखारी बंद नहीं किया। क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि हम बड़े आदमी बन गए। सारे भिखारी बोलने लगे, भाई इतना कुछ बन गया है, अब तुमको बैठने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। वो भिखारी ने जवाब दिया, मंदिर में बनवाया, भिखारी में बैठाया, पुजारी में रखा, तो यहाँ का सबसे बड़ा भिखारी कौन? मैं। बदलाव का बिजनेस है, अगर रोज रोज बदलेंगे, आज जहाँ बैठे हैं वही नौकरी, वही घर, वही मोबाइल, वही टीवी, वही टाइम, वही पेपर, तो कहीं नहीं पहुँचेंगे फ्रेंड। लेकिन कुछ बदलाव करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ जाके लोगों से बात करेंगे, तो आप भी यहाँ आ सकते हो। हमारे जैसे सिंपल कपल कर सकते हैं, यहाँ बैठा हर इंसान कर सकता है। थैंक यू गुड आइमन। वाह भाई वाह, क्या बात है। कितने लोग आज डिसीजन ले लेंगे पक्का? दोस्त डिसीजन लेके जाइए। हमारी स्टोरी या आज जो हमारी बातें हो रही हैं, ये कुछ भी यहां से बनावटी नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं। कोई भी टॉपिक जब मुझे मिलता है तो मुझको यही लगता है कि यार ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है, अलग से कुछ नहीं लाना है मुझको। दोस्त आपकी भी जीवन की कहानी शायद बहुत दर्दनाक है, लेकिन शायद कई बार ना हम उन चैलेंजों में फंस जाते हैं। मैं एक स्टोरी आपको बताऊं। एक किसान था, किसान बड़ा परेशान हो गया और किसान बार बार परमात्मा से कहने लगा कि परमात्मा आपको कुछ आता नहीं है, आप ठीक से जानते नहीं हो कब बारिश कराना, कब ओले गिराना, कब जो है ओला, कब जो है तूफान आना, कब क्या क्या आना, बारिश बहुत सारी, धूप कितना करना, आपको कुछ पता नहीं है, इसीलिए हम किसान बहुत परेशान हैं। तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं है, हम सब सही तरीके से करते हैं। वो जिद पे अड़ गया, तो भगवान बोले चलो भगत आदमी है, चलो मान लेते हैं। बोले चलो तुम्हारे हाथ में दे दूं? बोले मेरे हाथ में दे दो, मैं सब टाइम पे कराऊंगा और खेती बहुत अच्छी होगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने माना और उन्होंने शुरू किया। अब उन्होंने समय पे इतनी बारिश, इतना टेम्परेचर, ये टाइम पे ये कराना, ये टाइम पे इतना ओस गिराना, सब चीजें उन्होंने सेम इतना सब कुछ अपने लेवल पे कि मेरे हिसाब से करूंगा, खेती बहुत अच्छी होगी। पढ़ाई लिखाई करके खेती दिखी अच्छी, फसल भी अच्छी दिखी। जब फसल को काटा तो काटने के बाद देखा कि बाल तो आए, फसल तो दिखी, लेकिन उसमें एक भी दाने नहीं है गेहूं के। तो परमात्मा को बोला, परमात्मा इतना बढ़िया सब कुछ हुआ, फिर इसमें क्यों अन्न क्यों नहीं है, गेहूं क्यों नहीं है? तो परमात्मा ने कहा भगत किसान, जब तक चैलेंज नहीं आएगा ये पेड़ को, जब तक हवाओं का झोंका, जब तक वो बर्फ, जब तक वो पानी, तूफान, धूप अधिक, धूप कम, ओस, सारी चीजों का, जब तक वो प्रकृति के नियम के अनुसार से ये नहीं पलते हैं, चैलेंज को नहीं सहते हैं, तब तक इनमें दाने नहीं आते हैं। इसलिए लाइफ में चैलेंज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, चैलेंज से कभी मत डरना, ये मेरा याद रखना बातों को। जब चैलेंज आए इस सेमिनार को याद करना, महेश किरण दुबे को याद करना कि यार इतने चैलेंज के बाद भी डायमंड बन गया। डायमंड बनने के बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि एक नया जीवन हो गया, एक नई जिंदगी हो गई। ऐसा लगता है कि वही महेश दुबे था जो एक टाइम पे नागपुर में आके सुलभ शौचालय में नहाया था डेप्थ ड्राइव करने के लिए। हाँ, वही महेश दुबे। आज पूरे भारत में 25-26 सेमिनार, पूरी भारत में इतने लोग, आप जैसे भाई बहन, इतने लोग प्यार करने लगे कि आज मैं, मुझे लगता है परमात्मा कितनी कृपा कर दिया आपने, हमें तो यही बहुत बड़ी चीज मिल गई। आप जैसे प्यारे भाई बहन मिले, ये हमारे लिए कम है क्या? आप तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो। आज हम वही चीजें अपनी बातें क्यों बताते हैं दोस्तों? आपका जीवन बदलेगा तो परमात्मा आपके द्वारा जो आपके अंदर बैठा है हमें दुआएं देगा, हमारा भी जीवन और सुखमय होगा। क्या आपकी दुआएं हमारे साथ हैं? दोस्तों मैंने यहां पे कुछ बोर्ड पे बनाया था, मैंने किताब में बात पढ़ी थी कि लाइफ में जब आपके चैलेंज आता है तो चैलेंज को देखेंगे तो 95% लोग रिएक्ट करते हैं और वो जिंदगी भर लोअर क्लास, मिडिल क्लास में रह करके अपनी जिंदगी दुख में बिताते हुए, पैसा कई बार, गाड़ी होती है लेकिन जिंदगी में बैलेंस लाइफ नहीं होती है और जिंदगी से निकल लेते हैं।
बट वो लेखक लिखता है कि जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं वो 5% लोग होते हैं, और वो लोग उसको जो जो चीजें आती हैं उनको फेस कर लेते हैं, डरते नहीं है कभी भी, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लड़ाकू बन जाते हैं, जाबाज बन जाते हैं और जीतते हैं और अपना नाम वर्ल्ड क्लास चैंपियन में लेके आते हैं। उनके पास में पैसा, समय, लाइफ, लेगेसी, जिंदगी, और दुनिया में ना रहने के बाद भी जिंदा रहते हैं। हमें किसमें रहना है, 95 या 5? रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड? और जीवन दोस्तों, मैं एक पंक्ति के साथ, मैंने लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत अच्छा लगता है उनकी कविताएं, क्योंकि उनमें जान है। कितने लोग इस जीवन को अग्निपथ के जैसा अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं, अग्निपथ, कितने लोग? जीवन अग्निपथ जैसा है, अगर आप डरेंगे तो सफल नहीं होंगे। बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, मैं उसके साथ समापन करूंगा। समापन तो क्या बताऊं, हमेशा सेमिनार छोटा पड़ता है, ऐसा लगता है बहुत सारी बातें हैं, फिर हम बार बार बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे तो हम कविता कहेंगे। उन्होंने लिखा कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्र श्वेत रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। एक और कवि की लाइन, चार लाइन, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। दोस्तों क्या लाइन लिखी है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कितने लोग, कितने लोगों को लगता है कि आज के बाद चलना बहुत आसान हो जाएगा, चैलेंज को फेस करना आसान हो जाएगा, जिंदगी को जीना आसान हो जाएगा? कितने लोग आज के बाद संकल्प लेके जा रहे हैं? कितने लोग आज के बाद कसमें खाएंगे? कितने लोग आज से रोज सेल्फ टॉक करेंगे? कितने लोग आज से अच्छा सोचेंगे? कितने लोग आज से अच्छा बोलेंगे? कितने लोग आज से लोगों को प्यार करेंगे? लव इज गॉड, लव इज परमात्मा, प्रेम में है दोस्तों, लोगों को प्रेम करिए। और आज के बाद मुझे पूरा विश्वास है, मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जीवन बदल जाए और हमारी आपकी दोस्ती पूरी जिंदगी तक रहे। कितने लोग ये बात करेंगे? बहुत आनंद हुआ सेल्फ टॉक के साथ, 2 मिनट एकदम गगनभेदी तालियों के साथ जैसा हम सेल्फ टॉक करेंगे, हमें बहुत आनंद होता है, आपको होता है? हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से आज का सेमिनार हमारे जीवन को बदल चुका है, क्योंकि आपने ही बोला, आपने ही सुना, मेरी जिंदगी बदल गई। आज से हम संकल्पित जीवन जिएंगे, चैलेंज मेरे से हारेगा, मैं जीत के रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा है, परमात्मा दुनिया चला रहा है, मैं डायमंड जाके रहूंगा, मैं क्राउन भी बनूंगा, सारी स्थितियां मेरे लिए काम करेंगी, प्रकृति मेरे लिए काम करेगी, ब्रह्मांड मेरे लिए काम करेगा। थैंक यू गॉड, तालियां जोर से बजाएं, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, थैंक यू गॉड, love you God, I can do it, I will do it, 100 legs, 100 legs, 100 depth, 100 depth,
थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, आई एम क्राउन क्राउन क्राउन, आई एम क्राउन, हम सब क्राउन, हम सब क्राउन, हम सब क्राउन, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, हम सब क्राउन 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 क्राउन, हम सब क्राउन, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, गॉड ब्लेस यू, लव यू माय ऑल क्राउन, लव यू लव यू लव यू लव यू।